इतनी भी नहीं कि तुम पा न सको, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। जी हाँ, समर्पित है हमारी मार्गदर्शक, हमारे प्रशासन से मौजूद हमारे मध्य आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय प्रभा गौतम जी पधारे और मंच से उद्घोषण स्वरूप जोरदार तालियां आपकी मैडम को आमंत्रित करेगी इस आयोजन को जो सफल बनाया है प्रशासन के सहयोग से अतिरिक्त जिला कलेक्टर आदरणीय प्रभा गौतम मैडम। राजस्थान युवा महोत्सव जिला उदयपुर के आज के समापन समारोह पर उपस्थित माननीय आयुक्त महोदय टीएडी श्री ताराचंद जी मीणा साहब, पंकज जी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग से उपस्थित डीडी मैडम, आशा मैडम, दिनेश जी बच्चन, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और यहाँ पर जो निर्णायक मंडल जो यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, साथ ही युवा महोत्सव के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर मेरुलाल जी गायन और प्यारे बच्चों, आज के समापन समारोह के अवसर पे इतनी तादाद में यहाँ पर लोगों को देख के काफ़ी हर्ष हो रहा है। जनरली ये होता है कि जब प्रोग्राम समाप्ति की ओर होता है लोग जाने निकलने लगते हैं, लेकिन अच्छी संख्या में यहाँ पर बच्चों के साथ बड़े भी उपस्थित हैं, जो कि हर्ष का विषय है और ये बताता है कि उदयपुर में वास्तव में एक जो युवा महोत्सव को जो कहा गया था कि हम उत्साह से मनाएंगे, जोश से मनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश था उन तक ये बात पहुँचे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें हमने अपना भूमिका अदा की है उदयपुर जिले में। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये शुरुआत जब कमिश्नर साहब टीएडी जिला कलेक्टर थे उस समय, तब से इस जिले में युवा महोत्सव की तैयारियों की शुरुआत हुई थी और शुरुआत जो थी उसमें फर्स्ट डे जब सर से मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि काम अच्छा होना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शिक्षा विभाग ब्लॉक और अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं जिले के और समस्त जितने भी जिलाधिकारियों को, चाहे वो अपने शोभालाल जी और जी को हमने इसमें जोड़ा हो या फिर लोक कला मंडल से हमने किसी को जोड़ा हो, मतलब जितने भी अधिकारियों को, समाज कल्याण को, जिनको भी जोड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अपनी अदा की और उदयपुर ने रजिस्ट्रेशन में पहला स्थान पूरे स्टेट में हासिल किया, जो कि एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। ये इसे कहते हैं टीम वर्क, टीम वर्क से ही किसी भी महोत्सव की सफलता हम आंक सकते हैं और उसके पश्चात इसको जो पूरे सुचारू रूप से संचालित करने वाली बात थी, साहब के मार्गदर्शन में हमने समय समय पर मीटिंगें आयोजित की, उसके बाद नए जिला कलेक्टर श्री अरविंद पोसवाल साहब ने ज्वाइन किया, सरकारी मार्गदर्शन मिला और हमने अच्छे से किया। ये कि आज जब हम इतने मुखमयी होकर इतने इतमान से बैठे हैं तो लग रहा है कि हमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को आयोजित कराया है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हुई, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बच्चों को अब रिजल्ट देने की बारी है जो मेरा मानना है बहुत अच्छा, क्योंकि आज अखबार में भी बहुत अच्छा कवरेज इस प्रोग्राम का आया है जो कि आगे भी भेजा जाएगा तो पता लगेगा कि उदयपुर ने इतना अच्छा काम किया है। युवा महोत्सव मतलब युवाओं का महोत्सव, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, युवा मतलब जिसमें उत्साह है, जिसमें जोश है, तो उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने श्री ताराचंद जी मिला। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा जोश और उत्साह, मैंने आज तक मेरे नौकरी को 17 साल हो गए और मैं खुद 40 साल की हूँ, लेकिन मैंने खुद में भी उतना जोश आज तक महसूस